वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आज इस वीडियो में शेयर करने वाली मैं अमेजॉन एंड मीशो हॉल तो सबसे पहले है ये कैनवास पेंटिंग जो मैंने अमेजोन से बाय की है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आई सूथिंग पेंटिंग है ये इस तरह की पेंटिंग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसमें और भी डिजाइन और साइजेस अवेलेबल है और इसे मैंने अपने लिविंग रूम में सोफे के ऊपर लगाया है और बहुत टाइम से मैं इस तरह की एक पेंटिंग ढूंढ रही थी एंड फाइनली मुझे मिल गई और अगर आप कोई अच्छी पेंटिंग लेना चाहते हैं तो आप इसे जरूर चेकआउट करना और नेक्स्ट है ये आर्टिफिशियल ट्री तो ये सिक्स फीट लॉन्ग है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी भी तो मुझे इस का एक बिग ट्री चाहिए था तो मैंने ये अमेजोन से ही बाय किया है बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये लिया और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बिल्कुल रियल लुकिंग लगता है ये और जो इसका स्टेम है वो रियल वुड से बना हुआ है और इसके साथ एक पॉट भी आता है तो ये पॉट में पूरा फिट है और बहुत अच्छा लग रहा है ये हमारे लिविंग रूम में तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं आप इसे घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं बहुत ही लाइवलीनेस लगती है ये प्लांट से तो इस तरह से मैंने डेकोरेट किया हुआ है इसे और इसकी जो लीव्स है उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और नेक्स्ट है ये दिया लाइट्स तो ये मैंने अमेजोन से बाय की है अभी दिवाली पर ही मैंने इन्हें खरीदा है और इस तरह से प्लांट पे मैंने इसे डेकोरेट किया हुआ है आप इसे विंडो या बालकनी कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हो और बहुत ही सुंदर लगती है लाइट्स और वॉम लाइट्स है ये और ये वाली लाइट्स अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है तो बस यही थोड़े बहुत चेंजेस जो मैंने लिविंग रूम में किए हैं और मस्ट बाय प्रोडक्ट्स हैं ये और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीशो हॉल और ये मीशो के सारे ही प्रोडक्ट्स अंडर थ्री हंड्रेड है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इन सभी की तो सबसे पहले है ये जूट की बहुत ही क्यूट बास्केट तो इसमें और भी कलर्स एंड साइजेस मिल जाते हैं और इसमें आप कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं जैसे मैं चार्जर वगैरह रखती हूँ और बहुत सुंदर लगती है और नेक्स्ट है ये रेट्रो टिश्यू होल्डर तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ओल्ड स्टाइल लुक देता है ये और इसमें इस तरह से टिश्यू हम रखते हैं और आप इसे लिविंग रूम डाइनिंग टेबल बेडरूम कहीं पर भी रख सकते हैं किचन में रख सकते हैं बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही ईजिली इसमें से जो टिश्यूज़ है वो निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये भी और नेक्स्ट है ये इनेमल कोटेड सर्विंग ट्रे और इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा प्रीमियम है और बैक साइड में इस तरह से ग्रिप दिया हुआ है तो बहुत अच्छे से ग्रिप बन जाती है इसकी और ये एक वुडन ट्रे है एंड मस्ट बाय प्रोडक्ट है ये मीशो से और नेक्स्ट है ये मोटर पेसल तो ये भी मैंने मीशो से ही लिया है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है इस तरह की ग्रीन कलर का है और मार्बल का मोटर पेसल है ये तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग की गई है इसमें तो छोटा मोटा जो मसाला होता है जैसे लहसन और हम चाय के लिए अदरक कूटना होता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है इसमें और भी साइजेस मिल जाते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी अंडर थ्री हंड्रेड ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और नेक्स्ट है ये, ये मेटल कटलरी होल्डर तो मैं इसमें इस तरह से स्पेचुलास रखती हूँ और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है अंडर थ्री इस तरह का प्रोडक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और मेरे पास इस तरह के वुडन के बड़े स्पेचुलास है जिनको रखने के लिए मुझे कुछ चाहिए ही था तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये और किचन में बहुत सुंदर लगता है और उसके बाद ही गोल्डन स्पून सेट तो ये कॉफी डेजर्ट्स और ये सब के लिए होते हैं और आजकल इस तरह के जो स्पून हैं वो काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और बहुत प्रिटी लगते हैं ये भी इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और उसके बाद है ये बुद्धा आइडल तो ये भी अंडर थ्री हंड्रेड मैंने लिया है और इनकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं तो बहुत प्रिटी लगते हैं ये आप इसे कहीं पर भी घर में डेकोरेट कर सकते हैं और नेक्स्ट है ने ये टेबल रनर तो कॉफी ऑफ वाइट कलर का शेड है इसका और और भी कलर्स मिल जाते हैं इसमें और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग की गई है और जो मेरा शू रेक है उसके ऊपर मैंने इसे लगाया हुआ है और नेक्स्ट है ये फोल्डेबल वुडन टेबल तो मेरे पास ये ट्री है उसको रखने के लिए मैंने ये टेबल लिया है अंडर थ्री हंड्रेड बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी आप घर के किसी भी कॉर्नर में से रख सकते हैं बहुत प्रिटी लगती है ये टेबल और लास्ट है ये फीजी टेक की लाइट्स तो सबसे पहले जो मैंने प्लांट्स के ऊपर आपको दिए वाली लाइट्स दिखाई थी ये वही लाइट्स हैं तो इस तरह से ये ऑन होती है और यहाँ पे आपको तीन मोड़ मिल जाते हैं जिससे आप लाइट्स की सेटिंग चेंज कर सकते हैं और टोटल इसमें बारह दिए हैं जिसमें से छ दिए छोटे हैं और छह बड़े हैं तो इस तरह से आप इसे वॉल पर भी डेकोरेट कर सकते हैं और नेक्स्ट है द स्लीप कंपनी से स्मार्ट ग्रिड ऑर्थो सिक्स इंच मैट्रेस और ये क्वीन साइज में है और ये मीडियम फर्म ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है जो स्पेशली जिनको बैक पेन होता है उनके लिए ये मैट्रेस बनी हुई है और सिक्स इंचेस की है टेन इयर्स इसकी वारंटी है और जापानी स्मार्ट ग्रीड टेक्नोलॉजी से बनाई गई है और काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद हस्बैंड ने ये मेट्रेस बाय की है और ऑफिस किचन में हम एक ही पोजीशन में बैठे या खड़े होते हैं और बैक पेन होने लग जाता है तो इस तरह की कंडीशन में ये वाली जो मेट्रेस है बहुत ही अच्छा स्लीप में कम्फर्ट देती है इसमें बिल्कुल भी सेगिंग नहीं होती है और ऑर्थोपेडिक सपोर्ट देती है ये जिससे हमारी जो स्पाइन है वो अलाइन रहती है स्ट्रेट रहती है और टू थ्री मंथस हो गए हैं इसे यूज कर हुए वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड नेक्स्ट इज दिस ऑर्थोपेडिक मेमोरी फॉर्म सर्वाइकल पिलो तो ये स्पेशली अगर आपको सर्वाइकल पेन होता है या गर्दन शोल्डर में पेन होता है उनके लिए बनाया गया है और बहुत अच्छे से ये जो इसका शेप है वो होल्ड कर लेता और है इसमें इस तरह का ये एक्स्ट्रा कर्व है जो एक्स्ट्रा नेक सपोर्ट देता है और बिल्कुल भी पेन नहीं होता है इस पिलो में सोने से आप नॉर्मली भी कोई अच्छा पिलो लेना चाहते हैं तो गिव दिस ट्राई इसके अंदर इस तरह का मेमोरी फॉर्म आता है और बहुत अच्छा पिलो है ये एंड नेक्स्ट इज दिस ट्राइबिट ब्लूटूथ स्पीकर ये एक वायरलेस स्पीकर है और कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल एंड गुड साउंड है इसका बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इसके साउंड की अंडर फाइव थाउजेंड में ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर है और कॉम्पैक्ट भी है और थर्टी आर तक ये कंटिन्यू चल जाता है फोर आर आपको इसे चार्ज करना होता है टाइप सी से ये चार्ज हो जाता है और बहुत ही पावरफुल स्पीकर है ये और आप इसका साउंड सुन सकते हैं बहुत ही ज्यादा गुड क्वालिटी है, तो अगर आप कोई बेस्ट ब्लूटूथ कॉम्पैक्ट स्पीकर लेना चाहते हैं तो गिव दिस और वीडियो में दिखाएगा सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप वहां से सभी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय